So hey there, this is Mr. Krish and welcome to my channel Mr. Krish on the go. Hope you guys are doing absolutely fine. So aaj ek talking head video hoga. So aaj ek important topic ke bare mein hum baat karenge ki what is ABS anti-lock braking system. So अभी अबाउट 150cc का जो भी बाइक है या स्कूटर है उसमें ABS मैंडेटरी हो चुका है, एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम मैंडेटरी हो चुका है. तो अभी ये एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक्चुअली क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक में मैंने वीडियो पे डालता रहता हूँ, मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ और उसके साथ बहुत सारा टूर या मोटर ब्लॉग का वीडियो भी रहता है. सो काइंडली मेरे चैनल को चेक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो एंड या लेट्स स्टार्ट. तो इससे पहले हाउ टू ब्रेक ऑन ए मोटरसाइकिल, हाउ टू ब्रेक ऑन ए नॉन एबीएस मोटरसाइकिल, इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है. सो वो आप चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और उसके साथ जो आई बटन है वहाँ पर भी मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो. सो इस वीडियो में सिर्फ आप बेसिक जो आइडिया है उसके ऊपर बात करेंगे और बहुत ही शॉर्टली एंड सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ABS कैसे काम करता है. सो आपको सब सभी को पता है कि ABS क्या है, एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिससे जो हार्ट्स जो आप जब ब्रेक करते हो तब जो व्हील है उसे लॉक होने से रोकता है ये ABS सिस्टम. सो व्हील लॉकिंग क्या है पहले हम जान लेते हैं. लाइक आप बाइक चला रहे हो, नॉन ABS बाइक, जब उस बाइक में आप हार्डली ब्रेक करोगे, जोर से बाइक ब्रेक करोगे तो क्या होता है, व्हील लॉक हो जाता है ब्रेक के वजह से और व्हील स्किड होता है. ये जो व्हील स्किड है इससे बहुत सारा सीनरी हो सकता है, लाइक आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, उसके साथ बाइक डिसबैलेंस होकर गिर भी सकता है, ऐसा बहुत सारा सीनरी होता है. सो इसी से बचाने के लिए आपको मिलता है एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि होता है कि जो बाइक का जो व्हील है उसे लॉक होने से रोकता है अंडर पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन. आपको एक सेंसर दिखेगा बाइक के व्हील पे, कुछ कुछ बाइक पे सिंगल चैनल बेस होता है, उन सभी बाइक पे फ्रंट व्हील में सेंसर होता है फ्रंट डिस्क ब्रेक में, और कुछ कुछ बाइक में होता है डुअल चैनल ABS, उसमें आपको दोनों ही जो ब्रेक है फ्रंट एंड रियर दोनों ही ब्रेक पे आपको सेंसर दिखेगा. और कुछ होता है जो KTM के बाइक है, लाइक जो KTM RC125 या ड्यूक 125, उसके साथ जो बजाज का जो बाइक होता है उन सभी बाइक में भी आपको पीछे सेंसर दिखता है, वो RLP सेंसर है. ये RLP क्या है इसके ऊपर भी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो. सो अभी मैं बात करूंगा कि ABS कैसे काम करता है. सो ये जो सेंसर है ये पूरा सेंसर के ऊपर ब्रेकिंग होता है. तब अब जब हार्श ब्रेकिंग करते हो तो ये सेंसर से एकदम डायरेक्ट सेंस जाता है ECU पे और ECU मेजर करता है कि बाइक का जो व्हील है वो कितना स्पीड पे स्पिन कर रहा है, और उसके साथ ये भी सेंस करता है कि बाइक का जो व्हील का जो रोटेशन है वो कितनी स्पीड में कम या बढ़ रहा है. जब भी ये सेंसर सेंस करता है कि व्हील रुक गया है, अब ये स्क्विट करने का पोजीशन में आ चुका है, तभी क्या करता है, जो ब्रेकिंग का जो पंप है, जो ब्रेक पंप है, जो कैलिपर पे जो ब्रेक का जो पंप होता है, जो प्रेशर होता है, वो रिलीज हो जाता है ऑटोमेटिकली. तब रिलीज होने से क्या होता है, व्हील फिर से घूमने लगता है. जब ये व्हील घूमने लगता है तब ट्रैक्शन के कारण जो व्हील स्किड हो रहा था वो व्हील स्किड होने का प्रोबेबिलिटी घट जाता है, देन फिर से व्हील घूमने लगता है. फिर घूमते घूमते जब फिर से हार्श ब्रेकिंग होता है, फिर से ब्रेक रिलीज हो जाता है, देन ये रिलीज ब्रेकिंग, देन ब्रेक रिलीज ब्रेकिंग, देन ब्रेक रिलीज, ऐसी प्रोसीड्योर में ABS काम करता है और बाइक रुकता है. ये जो रिलीज और जो ब्रेकिंग ये जो प्रोसीड्योर है ये फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में होता है, जो हम नॉन ABS बाइक पे करते थे, लाइक पंपिंग ब्रेकिंग सिस्टम जिसे कहते हैं, ब्रेक करना फिर छोड़ना देन करना फिर छोड़ना, ऐसे ऐसे हम बाइक रोकते थे, वही चीज़ ABS में भी होता है बट बहुत फास्ट होता है. इससे हार्श ब्रेकिंग में व्हील लॉक होने का जो प्रोबेबिलिटी रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है. तो ऐसे ही ABS एक लाइफ सेवर टेक्निक है जो हमें गिरने से बचाता है या बाइक डिसबैलेंस होने से भी बचाता है. तो अभी ABS अबव 150cc के जो भी बाइक है उसमें मैंडेटरी हो चुका है. कुछ बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, कुछ बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, और जो बिलो 150cc बाइक है उसमें आपको ABS देखने को नहीं मिलेगा, उसमें CBS है. काश की उन सब बाइक में भी ABS मैंडेटरी कर दिया होता, क्योंकि ABS इज़ ए वेरी यूजफुल फीचर और एक लाइफ सेविंग फीचर. सो अब ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि वो अपने कौन सा बाइक में ABS देगा या नहीं देगा, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब आप बाइक खरीदना चाहते हो तो एक ABS वाला बाइक ही खरीदो, क्योंकि उस वो एक एडेड सेफ्टी है. आपका स्किल जो भी हो बट
सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेफ्टी इज ऑलवेज वेलकम। सो या दिस अ स्मॉल वीडियो ऑन हाउ ABS वर्क एंड ABS क्या होता है। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्प्रेड लव। बाय बाय।